वेलकम बैक टू माय चैनल कीप क्रिएटिंग विद दिशिता। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ICSE क्लास 10th की मैथ्स की प्रोजेक्ट फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कैसे कवर किया है, लोगो लगाया है स्कूल का, अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं जैसे टीचर का नाम, अपना नाम और ईयर वगैरह। तो अब अपनी फाइल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स प्रोजेक्ट का एक प्रिंटआउट निकलवा लिया था बैकग्राउंड का, तो मैंने वो लगाया है। देन इंट्रोडक्शन लगाया है मैंने, इंट्रोडक्शन के बाद एक्नॉलेजमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने A4 साइज वाइट प्लेन शीट पर बनाई थी, थोड़ा सा बॉर्डर बना के। देन प्रीफेस, उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें लिख दी हैं। तो हमारा बैंकिंग और बैंक अकाउंट पे था मैथ्स का प्रोजेक्ट। तो अगर आपका भी सेम प्रोजेक्ट है तो आप सेम टॉपिक यूज़ कर, मतलब सेम टॉपिक पे प्रोजेक्ट है तो आप एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया है सेम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत इजीली आप प्रोजेक्ट बना लेंगे अपने मैथ्स का। तो मैंने यहाँ पे सभी टॉपिक्स के बारे में लिखा है, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, हिस्ट्री ऑफ बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, और मतलब सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने अच्छा खासा लिखा है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पेजेस की बनानी है अपनी फाइल तो फिर आप सेम टॉपिक ले लीजिए और इनको इलैबोरेट करके लिखते रहिए। हर टॉपिक से रिलेटेड एक फ़ोटो ज़रूर लगानी है मिनिमम। मैक्सिमम तो आप जितना डेकोरेट कर सकते हैं उतना कर सकना होता है प्रोजेक्ट को, बट मेरा तो मानना यही है कि आप एक प्रोजेक्ट को मतलब एक प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट बनाएं। बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और बिल्कुल ही एकदम ही बेकार तरीके से बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट बनाएं। आपने यहाँ पे सारी मेरी फाइल देख ली है मैंने क्या क्या बनाया है, हर चीज़ की एक मैंने फ़ोटो ज़रूर लगाई है, लास्ट में कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी लगाई है। मैथ्स प्रोजेक्ट के लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी लगाना होता है जो मैंने बाद में लगाया था सबमिट करने के टाइम पे, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सारे प्रोजेक्ट की वीडियो मैं डालने वाली हूँ और कुछ डाल भी चुकी हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।